जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और आपका सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी कर दिया गया, और साथ में एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया। किस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आपको रिजल्ट किस तरह से डाउनलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीटी सीबीटी 1 फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया। जितने स्टूडेंट पास हो गए, जितने स्टूडेंट रिजल्ट चेक कर लिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन। जो जो अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया, चलिए आपको किस तरह से रिजल्ट चेक करना है स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट चेक करके बता दे रहे। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है रिजल्ट। और आपको बता दूँ कि इसमें टोटल जो क्वालिफाई हुआ है सीबीटी 2 के लिए 400,000 स्टूडेंट। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि इतना स्टूडेंट क्यों क्वालिफाई हुआ है। दोस्तों आपको बता दूँ कि रेलवे ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम पेंडिंग में है, उसके कारण आपको क्वालिफाई कर दिया गया है सीबीटी 2 के लिए। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो एग्ज़ाम है सीबीटी 2 अगले मंथ अक्टूबर के लास्ट मंथ में आएगा आपका रिजल्ट, और साथ में आपका जो एग्ज़ाम भी होगा सीबीटी 2 के लास्ट मंथ में, और रिजल्ट आपका जनवरी से फरवरी तक आ सकता है। चलिए आपको किस तरह से रिजल्ट डाउनलोड करना है, और जितने भी स्टूडेंट हो जो जो अपना रिजल्ट चेक कर लिए, सबको हमारे तरफ से बधाई हो। और दोस्तों आप लोग अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किए हो, तो आपको रिजल्ट किस तरह से चेक करना है एनटीपीटी सीबीटी 1 का, एनटीपीसी का रिजल्ट, चलिए आपको ले चलते स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको रिजल्ट किस तरह से चेक करना है। दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आपको किस तरह से रिजल्ट चेक करना है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट जारी भी कर दिया है। दोस्तों आपको मोबाइल से किस तरह से रिजल्ट डाउनलोड करना है, आज मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट के बीच काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे आपके क्वेश्चन में हो डाउट, कंसेप्ट बोर्ड, जेई नीट, पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत आए, उसका संविधान है फिलो ऐप। आप किसी भी समय इन 3 इजी स्टेप कर से आप क्वेश्चन को आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से। आपको फिर आपको अपने कॉन्टैक्ट से साइन अप करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को टाइप करना है या फ़ोटो खींचकर सबमिट करना है यहाँ पर। फिर आपको 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। तो दोस्तों RRB NTPC का रिजल्ट रोल नंबर के साथ हो जाए तैयार, जारी होने जा रहा है CBT 1 का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी होने वाला है। आप लोग अपना अपना रोल नंबर साथ में रखिए, और नेम दोस्तों आपको रिजल्ट हम लाइव प्रूफ चेक करके दिखा देंगे किस तरह से रिजल्ट चेक करना है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी करने के बाद CBT 2 जानकारी जारी करेगा जो उम्मीदवार CBT 1 क्वालिफाई करना होगा CBT 2 के लिए। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी होगा, जब भी जारी होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट है सब तैयार रहे और अपना अपना रोल नंबर जरूर दे, ताकि आपका रिजल्ट है जो जारी होते ही आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।